उत्पत्ति अध्याय 19। उत्पत्ति अध्याय 19। सांझ को वे दो दूत सदोम के पास आए और लूत सदोम के फाटक के पास बैठा था। सो उनको देखकर वह उनसे भेंट करने के लिए उठा और मुंह के बल झुककर दंडवत कर कहा, हे मेरे प्रभु, अपने दास के घर में पधारिये और रात भर विश्राम कीजिए और अपने पाँव धोइए, फिर भोर को उठकर अपने मार्ग पर जाइए। उन्होंने कहा, नहीं, हम चौकी में रात बिताएंगे। और उसने उनसे बहुत विनती करके उन्हें मनाया, सो वे उसके साथ चलकर उसके घर में आए और उसने उनके लिए जेवनार तैयार की और बिना खमीर की रोटियां बनाकर उनको खिलाई। उनके सो जाने से पहले उस सदोम नगर के पुरुषों ने, जवानों से लेकर बूढ़ों तक, वरन चारों ओर के सब लोगों ने आकर उस घर को घेर लिया और लूत को पुकार कर कहने लगे कि जो पुरुष आज रात को तेरे पास आए हैं, वे कहाँ हैं? उनको हमारे पास बाहर ले आ कि हम उनसे भोग करें। तब लूत उनके पास द्वार के बाहर गया और किवाड़ को अपने पीछे बंद करके कहा, हे मेरे भाइयों, ऐसी बुराई न करो। सुनो, मेरी दो बेटियां हैं जिन्होंने अब तक पुरुष का मुंह नहीं देखा। अच्छा हो तो मैं उन्हें तुम्हारे पास बाहर ले आओ और तुमको जैसा अच्छा लगे वैसा व्यवहार उनसे करो, पर इन पुरुषों से कुछ न करो, क्योंकि ये मेरी छत के तले आए हैं। उन्होंने कहा, हट जा। फिर वे कहने लगे, तू एक परदेशी होकर यहां रहने के लिए आया, पर अब न्यायी भी बन बैठा है, सो अब हम उनसे भी अधिक तेरे साथ बुराई करेंगे। और वे उस पुरुष लूत को बहुत दबाने लगे और किवाड़ तोड़ने के लिए निकट आए। तब उन पाहुनों ने हाथ बढ़ाकर लूत को अपने पास घर में खींच लिया और किवाड़ को बंद कर दिया। और उन्होंने क्या छोटे क्या बड़े सब पुरुषों को जो घर के द्वार पर थे अंधा कर दिया, सो वे द्वार को टटोलते टटोलते थक गए। फिर उन पहुनों ने लूत से पूछा, यहाँ तेरे और कौन कौन है? दामाद, बेटे, बेटियां, व नगर में तेरा जो कोई हो, उन सबों को लेकर इस स्थान से निकल जा, क्योंकि हम यह स्थान नाश करने पर है, इसलिए कि इसकी चिल्लाहट यहोवा के सन्मुख बढ़ गई है और यहोवा ने हमें इसका सत्यानाश करने के लिए भेजा है। तब लूत ने निकलकर अपने दामादों को, जिनके साथ उसकी बेटियों की सगाई हो गई थी, समझा के कहा, उठो, इस स्थान से निकल चलो, क्योंकि यहोवा इस नगर को नाश किया चाहता है। पर वह अपने दामादों की दृष्टि में ठट्ठा करने हारा सा जान पड़ा। जब वह फटने लगी, तब दूतों ने लूत से फुर्ती कराई और कहा कि उठ, अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा, नहीं तो तू भी इस नगर के अधर्म से भस्म हो जाएगा। पर वह विलंब करता रहा, इससे उन पुरुषों ने उसका और उसकी पत्नी और दोनों बेटियों का हाथ पकड़ लिया, क्योंकि यहोवा की दया उस पर थी, और उसको निकालकर नगर के बाहर कर दिया। और ऐसा हुआ कि जब उन्होंने उनको बाहर निकाला, तब उसने कहा, अपना प्राण लेकर भाग जा, पीछे की ओर न ताकना और तराई भर में न ठहरना, उस पहाड़ पर भाग जाना, नहीं तो तू भी भस्म हो जाएगा। लूत ने उनसे कहा, हे प्रभु, ऐसा न कर, देख, तेरे दास पर तेरी अनुग्रह की दृष्टि हुई है और तूने इसमें बड़ी कृपा दिखाई कि मेरे प्राण को बचाया है, पर मैं पहाड़ पर भाग नहीं सकता, कहीं ऐसा न हो कि कोई आपत्ति विपत्ति मुझ पर आ पड़े और मैं मर जाऊं। देख, वह नगर ऐसा निकट है कि मैं वहां भाग सकता हूं और वह छोटा भी है, मुझे वही भाग जाने दे, क्या वह छोटा नहीं है? और मेरा प्राण बच जाएगा। उसने उससे कहा, देख, मैंने इस विषय में भी तेरी विनती अंगीकार की है कि जिस नगर की चर्चा तूने की है उसको मैं नाश न करूंगा, फुर्ती से वहां भाग जा, क्योंकि जब तक तू वहां न पहुंचे तब तक मैं कुछ न कर सकूंगा। इसी कारण
उस नगर का नाम सोअर पड़ा। लूत के सोअर के निकट पहुंचते ही सूर्य पृथ्वी पर उदय हुआ। तब यहोवा ने अपनी ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश से गंधक और आग बरसाई और उन नगरों को और उस संपूर्ण तराई को और नगरों के सब निवासियों को भूमि की सारी उपज समेत नाश कर दिया। लूत की पत्नी ने, जो उसके पीछे थी, दृष्टि फेर के पीछे की ओर देखा और वह नमक का खंबा बन गई। भोर को इब्राहिम उठकर उस स्थान को गया जहां वह यहोवा के सन्मुख खड़ा था और सदोम और अमोरा और उस तराई के सारे देश की ओर आंख उठाकर क्या देखा कि उस देश में से धधकती हुई भट्टी का सा धुआं उठ रहा है। और ऐसा हुआ कि जब परमेश्वर ने उस तराई के नगरों को जिनमें लूत रहता था उलट पुलट कर नाश किया, तब उसने इब्राहिम को याद करके लूत को उस घटना से बचा लिया और लूत ने सोर को छोड़ दिया और पहाड़ पर अपनी दोनों बेटियों समेत रहने लगा, क्योंकि वह सोर में रहने से डरता था। इसलिए वह और उसकी दोनों बेटियां वहां एक गुफा में रहने लगे। तब बड़ी बेटी ने छोटी से कहा, हमारा पिता बूढ़ा है और पृथ्वी भर में कोई ऐसा मनुष्य नहीं जो संसार की रीति के अनुसार हमारे पास आए, सो आ हम अपने पिता को दाख मधु पिलाकर उसके साथ सोए, जिससे कि हम अपने पिता के वंश को बचाए रखे। सो उन्होंने उसी दिन रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया। तब बड़ी बेटी जाकर अपने पिता के पास लेट गई, पर उसने न जाना कि वह कब लेटी और कब उठ गई। और ऐसा हुआ कि दूसरे दिन बड़ी ने छोटी से कहा, देख, कल रात को मैं अपने पिता के साथ सोई, सो आज भी रात को हम उसको दाख मधु पिलाए, तब तू जाकर उसके साथ सोना कि हम अपने पिता के द्वारा वंश उत्पन्न करें। सो उन्होंने उस दिन भी रात के समय अपने पिता को दाख मधु पिलाया और छोटी बेटी जाकर उसके पास लेट गई, पर उसको उसके भी सोने और उठने के समय का ज्ञान न था। इस प्रकार से लूत की दोनों बेटियां अपने पिता से गर्भवती हुई और बड़ी ने एक पुत्र को जन्म दिया। उसका नाम मोआब था। वह मोआब नाम जाति का जो आज तक है मूल पिता हुआ। और छोटी पुत्र भी एक पुत्र को जन्म दिया और उसका नाम बेनम्मी रखा। वह अम्मोन वंशियों का जो आज तक है मूल पिता हुआ।